वेलकम बैक गाइस, आज हमारे साथ शेमिया दास साहब हैं जिनसे हम लोग बातें भी कर रहे हैं, साथ साथ इनसे हम परफॉर्मेंसेस भी करवा रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है कि दिल नहीं कर रहा कि हम किसी और सॉन्ग की तरफ जाएं, इनसे ही बस सुनते रहे। वैसे क्वेश्चन भी मैंने बहुत लंबा सा किया था, मैं दोबारा तलबर भी नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आंसर से स्टार्ट करूँगी कि क्या रीज़न है, आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं यहाँ पर हम लोगों का, क्या मीडिया ऐसा है या लोग ऐसे हैं जिसकी वजह से वो जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो उतना रिस्पेक्ट तो मिलती ही है, रिस्पेक्ट तो ज़रूर मिलती है लेकिन इतना आम फहम नहीं होता। असल में जो लोग करने वाले हैं या जिन्होंने बिल्कुल बकायदे इसको सीखा या जो घराने से तलक रखते हैं वो किसी के पास जाके ये कहना कि मेरा आप प्रोग्राम रखे वो नहीं जाते, ये भी एक रीज़न है क्योंकि मिलना पड़ता है। आजकल तो ऐसा दौर है कि मिलना पड़ता है, कुछ लॉबी सिस्टम भी है, ठीक है, तो मैं बस उसको ओपन नहीं करना चाहता लेकिन इनको चांस देना चाहिए। चांस क्या कि इनका राइट बनता है जितने गाने वाले, लेकिन ये पीछे क्यों है, इस वजह से है कि ये खुद कहते हैं कि कोई आके कहे हाँ साहब। और कहीं ये भी होता होगा ऑब्वियसली कि वो जो बटरिंग वाला सीन है वो नहीं होता, क्योंकि जब आपको पता हो कि आपके अंदर टैलेंट है और आपके अंदर एक चीज है और वो लॉबी सिस्टम के अगेंस्ट, मतलब कि उसमें कई दफा होता है ना कि आप लोग मतलब हर कोई चाहता है, हम लोग भी कहते होते हैं कि यार टैलेंट है तो कुछ लोग सोच लेते हैं, घर बैठे सोच लेते हैं कि दौर चेंज हो गया है, कुछ ये भी है घर बैठे खान साहब सोच रहे हैं कोई कि दौर चेंज हो गया, अब वो गिटारें हैं, अब वो ये चीज़ें, लेकिन ये बात नहीं है। इनको चाहिए कि चाहे अपने सेक्रेटरी मैनेजर के ज़रिए से, और जो बंदा कहता है ना कि मैं मुकम्मल हो गया हूँ तो वो समझे कि वो उसकी ये गलत सोच है, गलत है, चाहे वो बूढ़ा भी हो जाए लेकिन स्ट्रगल में रहना चाहिए। जो लोग स्ट्रगल में रहते हैं वो इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनके साथ रहते हैं, कामयाब रहते हैं। जो खुद ही अपने ऊपर एक खान साहबी का वो एक ओढ़ लेते हैं ना लिबादा और फिर वो कहते हैं क्यों हम क्यों कहें किसी को, तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको कुछ आता है तो वो आपके लिए है ना, जब आप उसको कहीं यूज़ नहीं करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा है। हाँ आप जाएं, अगर कोई आपको डिसार्ड करता है तो फिर इन मीडिया का कसूर है कि मीडिया, अब जितने भी लोग हमारे मीडिया में काम कर रहे हैं तो उनको माशाल्लाह ये तो पता है कि कानों वाले लोग हैं, वो समझ लेते हैं कि ये सुर से जा रहा है, ये सुरीला है बंदा, उसको चांस भी मिलता है। देखिए इतना माशाल्लाह इतने चैनल हमारे पाकिस्तान में हो गए हैं तो अब तो मेरा ख्याल है। अच्छा एक शिकवा है मेरा आपसे, क्या आप कोपेनहेगन में जाके पढ़ाते हैं, पाकिस्तान में नहीं पढ़ाते? पाकिस्तान में असल में आप बिलीव करें कि यहाँ पे एक चीज़ ख़त्म अगर हो जाए ना, ऊंच नीच का फ़र्क और जेलसी, तो यहाँ पे बहुत कुछ है। अच्छा यही क्वेश्चन मैं अभी पहले भी इसी क्वेश्चन से पहले ये भी कहना चाहिए थी कि कभी लॉबीज़म, कभी ये जेलसी जो सिस्टम है इसको फेस किया आपने, और अगर फेस किया तो कैसे इससे मैनेज किया, कैसे आपने, मतलब क्योंकि कई दफ़ा होता है कि डबल फेस वाला सीन हो जाता है आपके साथ कुछ और, पीछे जाके आप ही की बैकस्टैबिंग हो रही होती है, तो कभी फेस किया, कभी फिर कैसे उसको आपने डील किया? आप बिलीव करें कि अभी फेस इसको करता ही आ रहा हूँ और करता ही जाऊँगा जब तक मुझे, मेरी ज़िंदगी है मुझे पता है, लेकिन उसका आप कभी भी जो मैं फनकारों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि डिसहार्ड नहीं होते, चाहे वो बूढ़े भी हो जाएँ, चाहे वो समझ रहे हैं ना कि मैं डिसार्ड हो गया यार आप शायद काम लो, ये बात नहीं। हाँ जिसका हासद नहीं है वो भी बंदा नहीं है, ठीक है। अच्छा कोई अगेंस्ट ऐसा या टारगेट, यानी कि अगर कोई जेलस होता है इट मींस आप कुछ हैं, तो कुछ हैं तो जेलस हो रहा है और उसके लिए ये है कि हाँ आपका कंपटीशन ये नहीं होना चाहिए कि अगर उसने शर्ट अच्छी पहनी तो मैं भी शर्ट बहुत अच्छी पहनूंगा, ये नहीं। काम की जेलसी रखें, इंसानियत की जेलसी ना रखें, क्यों जब अल्लाह पाक इसको इज्जत देता है तो ये समझें कि ये अल्लाह की दी हुई, ना कि मेरी ना कि किसी की, तो उसकी इज्जत करनी चाहिए जिसको अल्लाह इज्जत देता है। हाँ बात रही काम की, बालों की नहीं है, मेकअप की नहीं है, बात है काम की, आप काम से जेलसी लाजमी रखें। अगर किसी ने अच्छा गाया तो आप बस रात को सोए ना कहें यार सुबह मैं इससे अच्छा ट्यून बनाऊंगा और अच्छा गाऊंगा, तो फिर ये हमारा पाकिस्तान तो इतना ज़रखेज़ है। ट्यून की भी बात हो रही है और जाहिरी सी बात है कि इन बातों के बीच में मैं कैसे नहीं, मेरा दिल कर रहा है मैं आपसे बातें भी करे जाऊँ, इतनी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन साथ साथ मैं परफॉर्मेंसेस भी सुनना चाहती हूँ, जैसे कि अभी हमने हमें आमना ने रिक्वेस्ट की थी मेरा हसन मेरा हुसैन की, जो कि अगेन आपने खुद ही लिखा हुआ भी है, तो इसको सुनते बिल्कुल लाजमी मौला का नाम है। हैदर का लाडला है वो, मुहम्मद की आल है, जिसका हूँ मैं गुलाम वो जहरा का लाल है, जिसका हूँ मैं गुलाम वो जहरा का लाल है, हैदर का लाडला है वो,
मोहम्मद की आल है जिसका हो मैं गुलाम वो जहरा का लाल है। नाना रसूल पाक है मादर बतूल है मेरा हुसैन दहर में दी का असूल है। अल्लाह की कायनात में वो बेमिसाल है जिसका हूँ मैं गुलाम वो जहरा खला। यही रीज़न है कि वो एक खातून भी आपके कॉन्सर्ट में आपके परफॉर्मेंस को सुनते सुनते मुसलमान हो गई थी, इस्लाम कबूल कर लिया था। यही रीज़न है। वो क्या स्टोरी थी? वो थी ओस्लो मेला होता है नॉर्वे में, तो एवरी ईयर अल्लाह के हुक्म से वो मुझे बुलाते हैं, वहाँ पे पसंद किया जाता। मैं एक परफॉर्म दे रहा था तो मन कुन तो मौला अली सरकार, वही मैं पढ़ रहा था अली अली कर, और एक औरत मेरे बिल्कुल सामने खड़ी है और वो मुझे बड़े गौर से देख रही, बड़े गौर से। तो मैं अच्छा पहले तो मैंने उनको देखा, फिर मैं डर सा गया जितने गौर से मुझे देख रहे। मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म किया, आफ्टर प्रोग्राम में बिहाइंड स्टेज गया और मैं वो मेरे मुझे फॉलो करते करते पीछे मेरे आ गई, उन्होंने मेरे पकड़ लिया। फिर मैं हंसी का मजाक में एक जोक करता हूँ, मैंने कहा मैंने छेड़ा छुड़ा भी नहीं है तो ये क्यों पीछे मेरे लग गई हैं, या कोई मेरे से ऐसा कोई गलती नहीं हुई, मैंने तो इनको ज़्यादा देखा भी नहीं। फिर उन्होंने वो नॉर्वेजियन में बोल रही थी, वो मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने खालिद सलीमी साहब हमारे वहाँ के जो ऑनर है, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कि इस तरह एक औरत खड़ी मेरे पास कुछ बोल रही, मुझे समझ नहीं आ रहा, रो रही। तो वो फिर आए, उन्होंने ट्रांसलेट मुझे किया कि वो ये कह रही है कि क्योंकि वो मुसव्वरा थी ईरान में पहले। अच्छा। उसकी नेशनलिटी जो थी ईरान की थी, तो वो कह रही कि मैंने इसी को देखा है उधर एक ख्वाब में आज से कोई 4-5 साल पहले। तो दरगाह में मौला अली सरकार पर गई नजफ, तो मैं रात में मुझे ख्वाब में ये वहाँ पे कवाली कर रहा था अली अली, और सरकार फरमाते हैं कि ये तुम्हें मिलेगा अली अली करता। अच्छा जब ये मैंने मेरे खुद में होश उड़ गए और मैं खुद रोने लग गया कि सरकार की बारगाह में मेरी मंजूरी है। तो फिर मैंने उसको इनवाइट किया कि अगर आपने ये मुझे जो कह रही है क्या सच है, फिर यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं, वो बिल्कुल वो स्टोरी सुना रही है अपनी। उसके बाद उसने इस्लाम कबूल किया, वो ऐसे कि मैंने उसको दावत दी तो उसने कहा ठीक है। उसने फिर इस्लाम की किताबें ली, फिर जब नेक्स्ट टूर पे मैं गया उसने कहा हाँ जी मैं इस्लाम कबूल करूँगी, आप मुझे कलमा शरीफ पढ़ाएं। ठीक है, फिर मैंने ये अल्लाह पाक ने मुझे सादत दी है, फिर उसका नाम आमना रखा, उसके भाई का नाम हुसैन रखा। तो अभी भी नॉर्वे में है, वो फ़ोन करते रहते हैं, अभी मैंने जाना तो वो इंतज़ार करते हैं कि आप कब आएँगे और हमें वो कलाम सुनाएँ। वैसे वाह ज़बरदस्त, मतलब ये सुन के तो मैं सोच रही हूँ कि हम लोग कितने बुरे हैं ना। मतलब हम लोग अपना इतनी अच्छी बुक्स हमारे पास कुरान पाक और इस्लामी बुक्स हैं हमारे पास, हम लोग उसका फ़ायदा नहीं लेते और उसमें से कई दफ़ा लर्न भी नहीं करते हैं, और कैसे कोई और पढ़ के तो उसमें से कवाली भी कबूल। जैसे ख्वाजा ख्वाजगन गरीब नवाज सरकार रहमतुल्लाह अलैह, क्यों कवाली को उन्होंने ये फ़रोग का कहा, इसलिए कहा कि इसमें एक मैसेज अल्लाह पाक की ज़ात का वो कलमा होता है। अच्छा मुझे सॉरी आपको मैं कट कर रही हूँ, इतनी ज़बरदस्त बात भी चल रही है, लेकिन अभी हम लोगों को ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम लोग वापस आएंगे, बातें भी इसी तरह कंटिन्यू करेंगे और इनसे परफॉर्मेंस भी करवाएंगे, इसे कहीं मजा आएगा। हम जा रहे छोटी सी ब्रेक से।